बाबा बस एक बार हाथ को पकड़ के देख, तेरा भाग तुझे छोड़ कर नहीं जाएगा बाबा। राम कितनी बार आ गए? मैं दूसरी बार आया हूँ। राम ने बाबा ने मन की सुनाया कुछ? बहुत, जो मेरे काम नहीं हो रहा था वो यहाँ के पूरा हुआ। कृपा आपके साथ में रही। तो मेरा कैंसर सही हो गया। हाँ, बहुत बहुत कैंसर हम लोग का। बस यही है कि डैडी के लिए विश मांगी थी और डैडी का कैंसर ठीक हो गया। जय महाराज के। भाई साहब क्या कहना है, आधा कहीं मिला ही नहीं हमें, यही मिला। तेरी रहमत पा गया था, मलोना गया था, तेरी रहमत पा गया था, दिल में था जो दर्द छुपा वो तुझको। तो किसने सही करा? आप भगवान। भगवान ने छुपा वो तुझको सुना गया था, चरणों में बाबा तेरे दो आंसू चढ़ा गया था, चरणों में बाबा तेरे दो आंसू चढ़ा गया था, दो आंसू चढ़ा गया था, दुखड़े तुझको सुना गया था, दो आंसू चढ़ा गया था, दुखड़े तुझको सुना गया था, उम्मीदों की आस लिए दिल तुझको थमा गया था, उम्मीदों की आस लिए दिल तुझको थमा गया था, चरणों में बाबा तेरे दो आंसू चढ़ा गया था, चरणों में बाबा तेरे दो आंसू चढ़ा गया था, दो आंसू चढ़ा गया था, दुखड़े तुझको सुना गया था, दो आंसू चढ़ा गया था, दुखड़े तुझको सुना गया था। बाबा ने के पहले बेरहनी दूर हो गया हम बिना ऑपरेशन के। चमत्कार है कि नहीं? बिल्कुल अर्जेंट लाभ कहेंगे आप अगर हम पूछें, और जो नहीं सही होता है। क्या हो गया भैया ने? जब तेरे दर पे दर्शन पाया सब कुछ भूल गया था, जब तेरे दर पे दर्शन पाया सब कुछ भूल गया था, क्या कहना है क्या लेना है मन से बिसर गया था, क्या कहना है क्या लेना है मन से बिसर गया था, ऐसा लगा मुझे बाबा श्याम तू सब कुछ समझ गया था, ऐसा लगा मुझे बाबा श्याम तू सब कुछ समझ गया था, सब कुछ समझ गया था, मेरे मन की जान गया था, सब कुछ समझ गया था, मेरे मन की जान गया था। चेहरा जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज देश विदेश के जितने भी श्याम प्रेमी हैं, आज सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज भगवान विष्णु की जया एकादशी है। यह 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को, आज हम माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मना रहे हैं। कहते हैं प्रत्येक श्याम प्रेमी को एकादशी का व्रत करना अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन किसी कारणवश या भूलवश या त्रुटिवश आप व्रत ना रह पाए तो कथा मात्र सुन लें। एकादशी की कथा मात्र सुनने से, एकादशी माता इतनी पवित्र और पावन है, मात्र उनका नाम सुन लेने से या उनकी कथा सुन लेने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में हम वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय साथियों, आज जया एकादशी पर कहानी है एक प्रेमी और प्रेमिका के प्रसंग की। एक बार देवराज इंद्र अपने नंदन वन में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन कर रहे थे। उस उत्सव में तमाम प्रकार के देवी देवता, तमाम प्रकार के ऋषि मुनिगण और तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवराज इंद्र ने अपनी सभा में तमाम गंधर्व एवं गंधर्व कन्याओं को अपने दरबार में बुलाया और नृत्य करने का एवं गायन करने का आदेश दिया। नृत्य और गायन की इस श्रृंखला में एक पुष्यवती नामक एक गंधर्व कन्या एवं माल्यवान नाम का एक गंधर्व, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वे दोनों अमर्यादित रूप से नृत्य एवं गायन करने लगते हैं। वह भूल जाते हैं देवराज इंद्र की सभा में तमाम गणमान्य लोग, तमाम ऋषिगण एवं देवी देवता उपस्थित थे। जब देवराज इंद्र ने पाया कि गंधर्व कन्या पुष्यवती एवं गंधर्व माल्यवान के बीच प्रेम प्रसंग हो गया है और वह
तमाम मर्यादाओं को उल्लंघन करते हुए नृत्य गायन कर रहे हैं। तब देवराज इंद्र सभा में उपस्थित तमाम ऋषि मुनिगण, देवी देवतागण एवं अपना अपमान समझते हुए उन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम पिशाच योनि में जाकर पृथ्वी लोक पर हिमालय में निवास करोगे और तुम अपनी सारी कलाओं को भूल जाओगे और तुम तमाम कष्टों का और दुखों का भोग करोगे। कुछ ही दिन बाद वह दोनों तमाम दुखों का भोग करने लगे। एक दिन प्यारे साथियों, यही एकादशी जो आज की एकादशी है, जया एकादशी, जया एकादशी का शुभ दिन आता है और दोनों ही पुष्पवती एवं माल्यवान दुखों का भोग करते हुए अन्न ना मिलने की संभावना होने के कारण भूखे प्यासे रहते हैं और रात में ठंड अधिक लगने के कारण सो भी नहीं पाते हैं। जब पुष्पवती और माल्यवान को रात्रि में अधिक भूख से पीड़ा होती है तो वह भगवान विष्णु जो जगत के पालनहारे हैं उनका स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारी भूख की जो हमारी भूख की अग्नि है उसको शांत कर दीजिए। इस प्रकार से अनजाने में ही उनका ये जया एकादशी का व्रत भी हो जाता है और भगवान विष्णु का स्मरण भी हो जाता है। भगवान विष्णु उनके इस जया एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको साक्षात दर्शन देते हैं और उनकी जो पिशाच योनि थी उससे मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से पुष्पवती एवं माल्यवान फिर से अपना सुंदर रूप धारण कर लेते हैं। गंधर्व और गंधर्व कन्या के रूप में वह देवराज इंद्र के पास जाते हैं और नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। जब देवराज इंद्र ने उनसे इसका कारण पूछा कि मैंने तो आपको श्राप दिया था, लेकिन आप लोग जो है इस प्रकार से सुसज्जित होकर हमारे दरबार में कैसे आ गए, इसका क्या कारण है? तब माल्यवान एवं पुष्पवती ने पूरी घटनाक्रम बताया और कहा कि हमसे अनजाने में ही आज जया एकादशी का व्रत हो गया था, इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें वरदान दिया कि हम फिर से पुनः अब जैसे थे वैसे उसी ही रूप में हम फिर से आ जाएं। तो इस प्रकार का प्रसंग प्यारे साथियों जब देवराज इंद्र ने सुना तो देवराज इंद्र भी उठकर खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। देवराज इंद्र कहते हैं कि जिस पर कृपा राम की होई, बाप पर कृपा करे सब कोई। तो उसी प्रकार से देवराज इंद्र ने भी उनका अभिवादन किया और क्योंकि वह भगवान विष्णु के कृपा पात्र थे इसलिए इंद्र देवता के भी कृपा पात्र बने। तो यह प्यारे साथियों जया एकादशी की एक संक्षिप्त में कथा थी। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप भी एकादशी का व्रत जरूर करें। जाने अनजाने में भी अगर करा हुआ व्रत भी हमको 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देता है, 100 गायों के दान के बराबर फल देता है। तो प्यारे साथियों अब हम चलते हैं मनोना धाम में हो रहे तमाम अनेकों चमत्कारों की तरफ। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें, यह वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत अधिक महत्वपूर्ण। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है जरूर सब्सक्राइब करें, लाल रंग का जो बटन है वो जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो लाइक भी कर दिया करो ताकि हमारा आत्मबल मनोबल बढ़ता रहे और हम बाबा श्री श्याम का इसी प्रकार से हम दिन प्रतिदिन गुणगान करते रहें, उनके चमत्कारों का व्याख्यान करते रहें, जिससे जो आज परेशान हैं, लाखों रुपए दवाइयों में फूंक चुके हैं, वो आज फ्री में आकर मनोना धाम में निःशुल्क इलाज कराएं। महंत महाराज जी का आशीर्वाद लें, महंत महाराज जी दिन रात एक कर रहे हैं आज भक्तों के लिए, जो आज पीड़ित भक्त हैं सभी का आज वो ध्यान रख रहे हैं, सभी की सुन रहे हैं। तो आप लोग मनोना धाम जरूर आएँ, बाबा श्री श्याम का प्यार आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जय श्री श्याम, श्याम प्यारे के, जय जय श्री श्याम। बाबा की कृपा आपके साथ में रही। तो मेरा कैंसर सही हो गया। अच्छा, हाँ, बहुत कैंसर था वो का, बोला भी जैसा था, रिपोर्ट भी बराबर आई थी, फिर महाराज का नाम लिया, फिर बायोप्सी हुई, रिपोर्ट सही आई थी। तो मतलब कितने दिनों में आपको लाभ हो गया? मनोहर सब सुख शांति है घर में, सब अच्छा है, मन शांत होता है यहाँ पर। कोई आपकी इच्छा पूर्ति करी है मनोना धाम? हाँ, हमारे भैया हैं ये, मेरे जेठ हैं, इनकी तबीयत खराब रहती थी, अब ये काफी सही है। कैसी जानकारी हुई थी आपको? भैया जो है वीडियो देखते थे आपकी। अच्छा अच्छा, तो इसी से जानकारी हुई थी, तब से भैया कहते थे हमें वहाँ पे जाना है। अरे, हमारा वीडियो देखा था जी। हाँ, जो आज भंडारा हो रहा है ये जैसे मतलब आप लोग मिलकर करा रहे हो? हाँ, ये हम करा रहे हैं सब बच्चे मिलकर।
मतलब किस खुशी में हो रहा है ये? हमने इनके ठीक होने के लिए विश मांगी थी भगवान जी से, तो उसी के उपलक्ष्य में करा रहे हैं। बाबा से अरदास लगाती होगी? घर से कहा था कि इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हम ये भंडारा कराएंगे। आज अनुभव हो रहा है, आज भंडारा आप यहाँ करा रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी में दिल में खुशियाँ पैदा हो रही है। खुशी है कि हम श्याम बाबा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं उनके नाम से। तो बाबा का प्यार बेटा बदाम मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा सर, परिवार को मिलेगा। आप बता भैया कैसे, क्या कहना चाहोगे? हाँ, जो भी भैया यहाँ पे आए अपना सच्ची श्रद्धा से आए, कोई आपको अगर लालच है तो उस तरीके से आप यहाँ पर मत आना। अगर आपको कोई तकलीफ है 100% उसका निवारण आपको यहाँ पे मिलेगा। श्रद्धा से आप आओ, बाबा को याद करो, श्याम बाबा आपको सब चीज देंगे। इस बार कुछ नहीं मांगते, आप अपनी श्रद्धा से मंदिर निर्माण में जो चाहो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई वो चीज नहीं है कि भाई आपके आपको इतना दान करना, ये करना, कुछ नहीं, अपनी श्रद्धा है बस। तो गुस्सा बहुत अच्छा है भैया। किसी से आप बता क्या? बस यही है कि डैडी के लिए विश मांगी थी और डैडी का कैंसर ठीक हो गया, तो काफी अच्छा लगा। उनकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए इसके लिए विश थी, इसलिए हमने ये भंडारा ऑर्गेनाइज कराया है। बाबा का प्यार मिल गया? हाँ जी, हाँ जी। मनोना धाम के महेंद्र जी महाराज के हारे के सहारे के श्याम प्यारे के जय जय श्री श्याम। आप लोग बने रहे वीडियो में आगे भी। अब होने जा रहा है मनोना धाम में बाबा श्री श्याम का इस एकादशी पर बहुत बड़ा लाइव चमत्कार। ये जो भाई आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल चलने में असमर्थ थे, इनसे आगे भी हम पूछेंगे कि क्या समस्या थी, चल पाते थे या नहीं चल पाते थे। और आज ये महन जी से मिलने आए हैं और महन जी इनको चलाएंगे और उसके बाद इनका इंटरव्यू भी लेंगे, उनसे पूछेंगे पूरी बात। इसलिए बने रहें आप लोग वीडियो में आगे। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महंत जी महाराज की। बोल मनोना धाम एनसी महाराज श्याम प्यारे के मनोना धाम के बहन जी महाराज के हारे के सहारे के श्याम प्यारे के। बोल मनोना धाम की भेंट जी महाराज की, भेंट जी महाराज की, शीश के दानी की, शीश के दानी की, मनोना नरेश की, मनोना नरेश श्याम प्यारे के मनोना धाम के। बोलो श्याम प्यारे के मनोना धाम के महन जी महाराज के। भैया कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से। कितनी बार मनोना धाम आ चुके? दूसरी बार। दूसरी बार आप मनोना धाम आए, कोई समस्या लेकर आए थे मनोना धाम? हाँ, परेशानी थी, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, मतलब क्या परेशानी हो गई थी? हाथ पैरों में कोई मतलब मालिश वगैरह कर गई थी या फिर कोई नस ब्लॉक थे? नसें ब्लॉक थी।
तो भैया नसे ब्लॉक आपकी थी, तो कब से मतलब ये समस्या आ रही थी? आप 2 महीने हो गए करीब। 2 महीने हो गए, तो डॉक्टरों को आपने मतलब उपचार कराया था कहीं? हाँ, सारे बहुत सारे जगह हॉस्पिटलों में गए, कोई आराम नहीं लगा। जी जी। यहाँ पर आप जैसे कि आप बताए दूसरी बार मामा धाम आए, पहली बार जब आए तो मतलब उसके बाद से कोई लाभ हुआ है? हाँ, काफी आराम है। पहले बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल पैर खिसट रहे थे, अब थोड़ा चल पा रहा हूँ, सहारे से चल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। मतलब पहले से आप लगभग कितना मतलब बेटर महसूस कर रहे हैं, कितना मतलब परसेंट लाभ आपको मतलब महसूस हुआ है? 40-45%। 40-45% हो चुका है। तो भैया इतना लाभ आप बताएं, भैया आपके साथ में कौन है? आपकी भाई है मेरा। तो इतना मतलब लाभ हुआ है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे मनोना धाम? मनोना धाम के लिए मैं तो शुक्रगुजार हूँ बाबा का, ये बाबा ने हमारे हाथ रखा और हर बार ही दर्शन के लिए बाबा के कोशिश करेंगे कि बाबा हर बार बुलाएं हमें ज्यादा। इतना जब लाभ हुआ है तो मतलब ये भी एक बाबा के चमत्कार के रूप में मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का चमत्कार ही मानते हैं हम तो, क्योंकि बिना चमत्कार के इतना लाभ होना शायद मुश्किल। बिल्कुल चमत्कार मानते हैं बाबा का। तो आप अकेले 2 लोग आए हैं? अच्छा, आप फैमिली आप लोग साथ में? अच्छा, आप लोग भी पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आए। दूसरी बार कैसा फील हो रहा है मरोना धाम में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इन्हें आराम है पहले से। कौन है आपकी? हस्बैंड है मेरे। तो लाभ हुआ है लगभग, तो क्या कहना चाहोगी आप मरोना धाम? बस 3 हाजिरी पूरी करनी है हमें, इन्हें आराम हो जाना चाहिए। मैं जी ने 3 हाजिरी बताई आप, कितनी? 2 हाजिरी हो, दूसरी हाजिरी है और हमें बहुत फायदा है। पहले जो है चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, अब थोड़ा सा मतलब अपने आप खड़े होने की कोशिश भी करते हैं, चलते भी हैं बिना सहारे के। बिना सहारे के मतलब खड़े हो रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट लेके खड़े होते हैं, हल्का सा। पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं? पहले से बहुत ज्यादा आराम। तो मतलब मरोना धाम में बाबा का प्यार आशीर्वाद मिला है आपको? जी बिल्कुल, भरपूर मिला। जैसे अभी मैं जिन चलाया उससे पहले भैया आपके चल पा, बिना सहारे के नहीं चल पा रहे थे, अब थोड़ा लगा है महसूस हुआ। तो ये बाबा का प्यार मिला है, मरोना धाम का प्यार मिला है, महन जी का प्यार मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है, इनका प्यार चाहिए बस, आगे भी मिलेगा पूरा भरोसा है। बिल्कुल जी, पूरा भरोसा। बोलो श्याम प्यारे के, मरोना धाम के महन जी महाराज। कितनी बार आ गए आप? अरे 2 बार आए। 2 बार कोई बाबा का प्यार आशीर्वाद मिला? अरे भाई साहब क्या कहना है, अच्छा था कहीं मिला ही हमें, यहीं मिला आगे। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। तो मतलब कोई अर्जी लगाई थी आपने? जी हाँ, फर्स्ट बार में अर्जी लगाई थी मैंने। जी जी, अब सेकंड बार है मेरा। अच्छा, तो अर्जी आपकी पूरी हो गई है? नहीं, पूरी हो गई है भैया, तभी तो खुश हैं। ये बच्चे का मैंने 6-7 साल से ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अच्छा? हाँ, हर जगह डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये नहीं मतलब वो होगा। अच्छा। हाँ, तो किसी ने बताया था, मैं बाबा के यहाँ आया था, तो बड़ा बैठा करके आज इतना खुश हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, इतना खुश हूँ कि कुछ कह नहीं सकता हूँ, ताकि जब से मैं यहाँ तक अपने बच्चों को मैंने 1 रुपए की गोली नहीं खिलाई। अच्छा। हाँ, अभी तक 1 रुपए की गोली नहीं खिलाई। बहुत बढ़िया। तो श्याम जल से? हाँ, श्याम जल से। और क्या नाम, रात को ही बैठा मैं यहाँ, लगा लो 2:30 बजे बैठा हूँ ऐसे ही, कुछ नहीं रहा थे बैठा सुबह से। अच्छा। हाँ, क्या परेशानी हो गई थी इसको? अरे इसको कुछ नहीं रहा, इसको खांसी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, खांसी की डॉक्टर एक्सरे जाना सब कुछ कराया, मतलब हर डॉक्टर ने यही कह दिया, मैंने लखनऊ भी कराया, शाहजहानपुर मतलब उत्तराखंड में भी कराया, हर जगह कराया मैं, लास्ट में डॉक्टर ने यही कहा यार इसका तो ऊपर वाला ही है जो है। अच्छा, वही वाला की डॉक्टरों ने भी हार मान ली। हाँ जी जी। तो अब कितना लाभ है बच्चे को? भैया पूरा ही है, अब ये लगा लो। कैसे हो बेटा आप बताओ? ठीक हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। समस्या आ गई थी बीच में? समस्याएं आ गई थी? तो उन समस्याओं से अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? तो किसने सही करा आप? भगवान ने। भगवान ने ठीक किया है, तो भगवान से जुड़े रहोगे कि नहीं? हाँ। बाबा श्याम से जुड़े रहोगे? हाँ। बहुत बढ़िया, एक बार बोल दो हारे के सहारे के मनोना धाम के बहन जी महाराज की। बेटे के साथ में मतलब थोड़ा सा बताएं क्या कृपा हुई? कृपा तो बहुत हुई है बाबा नाम से। अच्छा। कृपा, पहले तो ये बिना दवाई से 1 दिन नहीं चलता था। अच्छा। डॉक्टर ने बताया दवाई खिलाओगे तब तक चलेगा। जी जी जी। दवाई नहीं खिलाओगे तो ये चलेगा नहीं। जी जी। हार मान ली थी मैंने तो। अच्छा। हाँ, मैं तो बाबा के धाम आई, मेरे को पता लगा कि इधर धाम में सबका
भला अच्छा होता है जी, जी। तभी तो मैं आई, तब से मेरा बाबा ने चमत्कार कर दिया। बाबा ने मतलब आपकी अरदास सुन ली? सुन ली यार, अरदास सुन ली। कितना खुश हो मनोना धाम से? बहुत खुश हूँ जी जी जी। तो जुड़ी रहोगी आप मनोना धाम? हाँ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा लाइफ चमत्कार आपके साथ हुआ, जहाँ डॉक्टर भी मना कर दे और उसके बाद भी मतलब बाबा की कृपा से बच्चा आपका स्वस्थ हो जाए, तो ये चमत्कार है बाबा, चमत्कार कर दिया मेरे बाबा ने। बहुत बढ़िया, आप भी रहोगी मनोना धाम। बोलो श्याम प्यारे के। पहली बार आई मनोना? दूसरा चक्कर। दूसरी बार, वो कृपा बाबा की हुई? बहुत कृपा, इनके तीन गांठ ही रहल है सीना में। हाँ 8-9 लाख रुपया लग गए, ना ठीक भी ले के पहले बेर एनी दू गो खत्म हो गए। आई इतना बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन के बोल दिए हेती चुकी बचल बा, आँखी पर सब छा लिए ले रहा सब लीला। बाबा खाली हथवा भर लगा दे बह के निकल गए है जी जी। मतलब आंखों में समस्या थी और गांठे थी? हाँ ठीक हो गए। गांठे कहाँ थी? अस्थन में। अच्छा अच्छा, कितनी गांठे थी? तीन थे। तीन गांठे। डॉक्टरों ने क्या बताया था? ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन बोल दिया था? सब ऑपरेशन कराया फिर आपने? नहीं, लेके यही हम सुनानी थे, यही लेके आई नहीं बाबा के यहाँ। बोलो हो। तो बिना ऑपरेशन के ही बाबा ने सही कर दिया? हाँ बिना ऑपरेशन के ही सही हो गया। क्या मतलब लिया था आपने यहाँ से? पानी, पानी रखा और बाबा हाथ लगा दिए तो सही हो गया। शाम जल लिया और बाबा ने हाथ लगाया, उसके बाद कितना लाभ हुआ है? बहुत लाभ है तब से, बहुत हो गया। कहीं दुख में पड़ल जाला बाबा का नाम लेने सब सही होला। आज शाम के रोज आरती में जानी वहाँ श्याम मंदिर पर। तो गांठे मतलब अल्ट्रासाउंड कराया था आपने? अपने आप पे नहीं लौकता, जांचों में भी नहीं बा, वो हेती चुकी बचल बा। एक बचा, एक बचा, तीन में से दो गल गया, एक बचा, एक बचा है अभी। तो दो गला तो वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ इस बार भी खत्म हो जाएगा, इतना कृपा बा, भरोसा हो गया होगा। भरोसा बा, बहुत भरोसा बा बाबा का। तो ये मनोना धाम बाबा श्री श्याम का लाइव चमत्कार हुआ? हाँ बहुत जने भेज भी है, 100 जने के यहाँ कम से कम भेजे। कहाँ से आई वैसे आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से? गोरखपुर से आई हो आप, तो बहुत दूर से आई हो? हाँ बहुत दूर से। तो मतलब आना सफल हुआ आपका? सफल हो गए जी, हरदम आते रहो सब बाबा के दरबार में। रहोगी मनोना धाम हमेशा? हमेशा, क्योंकि ये तो बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ किया है। बहुत अच्छा किया। बोलो हारे के सहारे के मनोना धाम की जय। आप कहाँ से आई हो? पीलीभीत से। पहली बार आई? नहीं दोबारा आई हूँ। तो बाबा कोई प्यारा आशीर्वाद मिला है? हाँ। अच्छा, क्या बाबा ने आपके साथ में कृपा की है थोड़ा सा बताएं? मेरे गले में दिक्कत थी, वो आराम मिली है मुझे। अच्छा हाँ। क्या समस्याएं थी आपको? ये लगता था ऐसे जैसे गले में कुछ अटका अटका सा हो। अच्छा हाँ। तो आपने डॉक्टरों से उपचार कराया था? हाँ डॉक्टरों से कराया था, 30-40 हजार रुपए की दवाई मैंने खा चुकी थी जी, जी। हाँ उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। पहली बार आई तब से आराम मिला, मैं दोबारा से आई। पहली बार में मतलब श्याम जल से आपको लाभ हुआ है? हाँ लाभ हुआ है। क्या बात है। तो अब तो कितने परसेंट आपको लाभ हुआ है पहले से? पहले से बहुत लाभ हुआ है, काफी हुआ। हाँ काफी लाभ हुआ। तो इसी वजह से दोबारा आई हूँ अब? हाँ दोबारा आई हूँ। दोबारा कितना भरोसा लेकर आई? कितना 100% लाभ हुआ? 100%। बहुत सुंदर। बोलो श्याम प्यारे के मनोना धाम के द्वारा आयो जी। हाँ क्या बाबा का प्यारा आशीर्वाद है मनोना? आशीर्वाद मिला हमको, मुँह में बहुत दिक्कत थी, मुँह नहीं खुलता रहा। अच्छा। एक बार जल ले गए तो मुँह हमारा खुलने बहुत आराम मिली, इसलिए दोबारा आए। पहली बार आए और बाबा के इन्हीं सबके भाइयों के वजह से हमें बाबा के दर्शन मिल गए, बहुत अच्छे से मिले हैं। और बाबा का लेके आते हैं, बाबा का लेके आते हैं और साथ में बताते हैं। अच्छा आप कौन की जगह? जी हम तीन चार लोग आए हुए हैं साथ में। लेके आए हो कहाँ से? कानपुर से आए हैं। कानपुर से आए हैं? कानपुर से आए हैं। अच्छा जी। आपके मुँह में लगभग कितना परसेंट लाभ हुआ है? मैं कम से कम 25% आराम मिल गया है पहली बार में। बहुत बढ़िया भैया। तो ये तो बाबा का लाइव चमत्कार है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है चमत्कार। चमत्कार के तो भैया इतने लाभ नहीं, 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 हम पहली बार है। आप चलेंगे मनोना धाम की जय। बोलो श्याम प्यारे के हारे के सहारे के। भैया कहाँ से? हाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए, इन्हें मिल लीजिए, अभी भी लाचार थे, कैसे के आए। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। कितनी बार आ चुके? चार बार। चार बार मनोना धाम आए, तो क्या मतलब कोई मनोकामना लेकर आए थे या दर्शन की? हड्डी में फ्रैक्चर है हमारे। अच्छा जी। पैर की नसें दबी हैं। कितना समय से ये प्रॉब्लम हो गया? चार साल से समस्या है आपको?
तो डॉक्टरों से उपचार कराया था, दिल्ली एम्स लखनऊ सब दिखाया, कहीं आराम नहीं मिला, यहाँ आराम मिला है। यहाँ आराम लगा है? हाँ, बहुत आराम। क्या बात है यार, कितनी मतलब कितनी बार में आराम हो गया? दो बार में जो आराम हो गया था, चौथी बार आए। दो बार में आराम हो गया आपको, तो पहले की अपेक्षा? दवाई बंद है हमारी। अच्छा, चार सालों से बस दवाई खा रहे थे? कंटिन्यू दवाई चल रही, चार इंजेक्शन भी लग रहा था। तो यहाँ पर आने के बाद में दवाई आपकी बंद हो गई? जी बंद। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ा लाइफ चमत्कार हुआ है। बिल्कुल है, हमारा जी का आशीर्वाद। बिना दवाइयों के कोई समस्या तो नहीं है आप? नहीं नहीं, अभी समय नहीं। कितना परसेंट लाभ कहेंगे आप, अगर हम पूछे परसेंटेज में तो कितना? 75% 75% आपको लाभ हुआ है आने के बाद। तो ये भैया बाबा का आप या मरोना धाम का महन जी का चमत्कार मानेंगे इस चीज को? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि बिना चमत्कार के तो इतना लाभ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आते रहेंगे मरोना धाम? बिल्कुल आएंगे, जब बाबा बुलाएंगे। क्या सलाह दोगे इन लोगों को जो आज डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, उनको लाभ नहीं हो रहा? आए महाराज जी का आशीर्वाद ले, श्याम जल ग्रहण करे और समस्या का समाधान करे। कलयुग के देवता हैं तो आज कलयुग में हमारे काम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे, सबके काम आ रहे। बोला हारे के सहारे के, श्याम प्यारे के, मरोना धाम की जय। आप भैया कहाँ से आए? जानपुर। कितनी बार आ चुकी? पहली बार आया। पहली बार आया। कैसा नजारा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाबा का प्यार मिलेगा आगे? बहुत बढ़िया लग रहा है। जी जी, सब लोग साथ में, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने पहले तो फॉलो करता रहा, मोबाइल पे देखता था कि आ रहे हैं, यूट्यूब पे वगैरह पे। फिर थोड़ी दिक्कत हुई तो सोचा कि चलो चलते हैं, बहुत दिन से सोच रहे हैं चलने के लिए। लेकिन जब प्रभु ने बुलाया तो आज फिर मैं आ ही गया, रात को उठा वहाँ से शाहजहानपुर से। और यहाँ जानकारी हुई थी आपको? यहाँ की जानकारी मुझे मोबाइल द्वारा हुई, यूट्यूब से हुई। यूट्यूब से हुई, आप ही मान ले, आप ही माध्यम है इसका। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके द्वारा से जानकारी हुई और यहाँ चमत्कार देखे हैं, बहुत ज्यादा चमत्कार देखे हैं। बहुत बहुत गंभीर रोगी आए हैं यहाँ पे और बिल्कुल उठ के गए हैं, ठीक होके गए हैं। तो मैं भी चला आया यहाँ पे भगवान के दरबार में कि चलो प्रभु मैं भी देखता हूँ खुद को। तो यहाँ पर मतलब YouTube पर जैसा आपने देखा था वैसा, ऐसे भाई ने अभी जस्ट आपके सामने बताया कि उसे, हमने कोई ऐसा तो नहीं कि पहले से बता दिया? नहीं, 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भाई साहब मैं लाइन में लगा हुआ हूँ सामने, हमने पूछा? नहीं नहीं, मैं बहुत से लोग शंका करते हैं कि भाई ऐसा ना हो, चेक। मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और उससे पहले के ये लगे हुए हैं। और आप तो अभी आए हैं, खैर मुझे जानकारी नहीं है इस चीज की कि आप होंगे मिले हुए। और मिले हुए होने की आवश्यकता क्या है, ये प्रभु का दरबार है, ठीक है। जिस मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद का विश्वास, सबसे बड़ी चीज है। और आपको अपने आप पे विश्वास नहीं तो कहीं कोई जगह नहीं है। और भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। और कुछ लोग निकम्मे लोग हैं जो कि नहीं मानते हैं, उनकी बात अलग है, नहीं मानते उनकी बात अलग है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा। जितने भी लोग आते हैं सब हमारे अपरिचित होते हैं, हम तो डायरेक्ट पूछते हैं उनसे भाई जिसको लाभ होता वही तो लाभ कहेगा, जिसको लाभ नहीं होगा वो क्यों कहेगा, वो झूठ क्यों बोलेगा? और कोई हमारा उससे अट्रैक्शन में नहीं है, वो हमारे लिए अपरिचित, हम उसके लिए अपरिचित, तो वो झूठ क्यों बोलेगा? सही बात। सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि प्रमाण को, जब प्रमाण है, खुद प्रमाण है, प्रमाण की आवश्यकता को, प्रमाण को आवश्यकता नहीं है। तो सर यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, बिना चमत्कार के कोई थोड़ी ना हो रहा है। आदमी एक दफे आएगा, दो दफे आएगा, उसके बाद मुख मोड़ के चला जाएगा, फिर दोबारा कोई थोड़ी ना आएगा। डॉक्टर है, डॉक्टर अगर जो बढ़िया चलता है उसे बहुत दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद बढ़िया चल पाता है। और जब चल जाता है तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, खुद व्यक्ति चलाता है वहाँ पे। नहीं, और जो नहीं सही होता है, एक दफे गया ठीक नहीं हुआ तो दोबारा नहीं। बोलो श्याम प्यारे के, मनोना धाम के, बहन जी महाराज। आप लोग बताओ कहाँ से आए? पीलीभीत से आए। कितनी बार आए? हम भी 7 बार आए। आपके साथ? हाँ। अच्छा, कैसा फील होता है मनोना? अच्छा फील होता है, पूरा विश्वास है मेरे गार्ड थी चेस्ट में, वो भी सही हो गई है बाबा की कृपा से। हाँ, और मैंने अपनी अर्जी लगाई बाबा मेरी वो भी पूरी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या बात है। तो गांठ आपके थी तो डॉक्टरों को आपने दिखाया था? नहीं, वो मुझे थोड़ा महसूस हुआ तो मैं आई थी यहाँ पर, आना शुरू कर दिया था यहाँ पे, फिर महन जी को दिखाया, लेकिन ये कान के पीछे करीब 15 साल से थी। अच्छा? वो काफी दिखाया लेकिन सही नहीं हुई, आके सही हो गई थी, यहाँ पर आके ठीक हो गई। तो मतलब गांठ अगर यहाँ से आके ठीक हो रही है तो ये क्या कहोगी, मनोना धाम का चमत्कार, बाबा श्री श्याम का चमत्कार? हाँ, है बिल्कुल चमत्कार है, क्योंकि बिना चमत्कार के कुछ नहीं हो सकता। सही हो, यहाँ पर आके आप स्वस्थ हो रही हैं। हाँ, तो ये बाबा का प्यार मिला है? हाँ, प्यार मिला है बाबा। बहुत बढ़िया, तो आते रहोगी मनोना? हाँ, हमेशा आते रहेंगे। श्याम प्यारे के, मनोना धाम के।
कहाँ से आई हो आप? हम बहेड़ी की तरफ से, पुन्नपुर से। बहेड़ी की तरफ पुन्नपुर से। बहेड़ी से आई, कितनी बार मरोड़ा धाम आ चुके हैं? मैं तो तीसरी बार आई हूँ, ये चौथी बार आ चुकी हूँ। आप चौथी बार आ गए, तो बाबा का कोई प्यार आशीर्वाद मिला है आप? बहुत बड़ा मिला है, इनके पेट में दिक्कत थी किडनी की। जी जी। तो वो जब जी आए चौथी बार, तब से ही किडनी 15 दिन में ठीक हो गई। डॉक्टर ने 3 महीने का कोर्स बताया था। अब लीवर में थोड़ी दिक्कत है, वैसे शाम जल पे आए महंत जी महाराज ने, तो बता तो आराम रहे हैं। आराम हुआ है, कितना परसेंट आराम लगा है आप? फिलहाल घर में तो दर्द बताते थे, अब दर्द नहीं है इस टाइम। दर्द नहीं है, मतलब वो दर्द में पूरा रिलैक्स मिल गया। तो क्या कहेंगे आप मरोड़ा धाम का, ये बाबा श्री श्याम का? हाँ जी, चमत्कार ही है बाबा श्याम का। तो आती रहोगी मरोड़ा धाम? हाँ बस, हमारी तो यही। आप बताए कैसा फील कर रहे हैं आप पहले से? अब मुझे तो बहुत बड़ा आराम है, बहुत बड़ा आराम है। मेरी किडनी इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टर बोले 3 महीने का कोर्स है, वो 15 दिन में मेरी किडनी ठीक हो गई। अब मेरा, मतलब डॉक्टरों ने 3 महीने कोर्स बताया था? जी जी। और श्याम जल आपने 15 दिन पिया? या मैं चौथी बार आया हूँ। जी जी। तो 15 दिन में आपको कितना परसेंट आराम मिला है? मुझे तो 100% आराम मिल गया किडनी में। बहुत बढ़िया भैया, ये तो बाबा का लाइफ चमत्कार आपके साथ हुआ है। हाँ, लाइफ चमत्कार हो गया हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे आप मरोड़ा धाम के लिए, बाबा श्री श्याम महंत जी के लिए? चमत्कार धाम है महंत जी का। जी जी। जो आज दुनिया से हार चुके हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें मरोड़ा धाम आना चाहिए। मनोना धाम तो का हार के यहाँ बाबा की शरण में आए हैं, और हमारे साथ तो चमत्कार ही हुआ है। बहुत बढ़िया, तो मरोड़ा धाम आती रहेंगे हमेशा? हम तो हमेशा आते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे बाबा की। और जो लोग मतलब अभी नहीं आए हैं आपके परिचित में, उन्हें सलाह दोगी आने की? हाँ, उन्हें भी सलाह देंगे, और कुछ लोग आते भी हैं हमारे साथ के। बहुत सुंदर, जय श्री श्याम। आप कहाँ से आई हो? रुद्रपुर से आए। पहली बार आई हो? दूसरी बार आए। दूसरी बार। कुछ बाबा का प्यार आशीर्वाद मिला? प्यारा आशीर्वाद तो नहीं मिला, लेकिन मिलेगा, मेरे बच्चे नहीं है, 7 साल हो गई मुझे, मैं दूसरी बार आई हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे लिए जरूर बाबा मुझे। कोई समस्या लेकर आई हो? हाँ, यही समस्या लेकर आई हूँ कि मेरी गोद भरेंगे बाबा जी। अच्छा अच्छा। अभी संतान नहीं है? अभी नहीं है, 7 साल हो गई मुझे, मैं हार के आई हूँ। मैंने बहुत दवा खा ली, चेकअप वगैरह जब भी कराती हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं आता, बस नॉर्मल आता है, सब नॉर्मल बताते हैं, सब कुछ नॉर्मल बताते हैं दोनों लोगों का हमको नॉर्मल। डॉक्टरों ने भी कोई कमी नहीं बताई, ऐसी दिक्कत नहीं बताई डॉक्टर ने। तो ये तो कुदरती मतलब मामला है, कुदरत ही सही करेगी। बस मुझे तो बस श्याम प्यारे ही सही करेंगे, मुझे तो बस भरोसा लेकर आई। मैं पूरा पूरा विश्वास लेके आई, यहाँ से बिल्कुल बाबा झोली भरेंगे, झोली मेरी भरेंगे। भैया कितना भरोसा? मुझे पूरा भरोसा लग रहा है कि इस बात मुझे फायदा होगा, मुझे पूरा भरोसा लग रहा है मुझे फायदा होगा। हाँ बाबा सुनेंगे, आपकी सुनवाई होगी मरोड़ा धाम? जी हाँ, सुनवाई होगी। बहुत बढ़िया भैया, बोलो श्याम प्यारे के, मरोड़ा धाम के बहन जी महाराज, कहाँ से आए भैया? हम आए जिला पीलीभीत से। कितनी बार मरोड़ा धाम आ चुके? अब तिवारा आए, 3 बार। 3 बार आ चुके। तो भैया बाबा का कोई प्यार आशीर्वाद मिला? हमें तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, बाबा ने बहुत बड़ा किया हमारे साथ में। हाँ, बहुत बड़ा किया बाबा ने हमारे साथ, हम तो इनका आसानी नहीं भूल सकते। आप बात मनोना धाम के लिए हम तो बहुत बड़ा चमत्कार किया बाबा ने हमारे लिए भाई। आप बात है यार, ये तो हमारी खुशी हुई, मुझे बहुत स्वीकार कर ली बाबा जी ने, बहुत बड़ा चमत्कार है, इसका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते जीवन में। मनोना धाम का तो बता सकते हो अपनी भावना को, क्या बाबा ने आपके साथ कृपा की? बाबा ने की थी मेरे साथ, मेरे घर पे पन्नी पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, मैं पहली बार आया था, मैंने अर्जी लगाई थी, मैंने बाबा आपकी बार आऊंगा तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। क्या पड़ी थी पन्नी? पड़ी मनो अर्जी लगाई थी मैंने। अच्छा। पन्नी पड़ी हुई थी मेरे घर पे, मकान बना हुआ नहीं था बिल्कुल। ठीक है, जब दोबारा मैं आया, मैं यहाँ पे मनोना धाम में जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ, दोबारा मैं आया तो मैं घर पे गया, आपने लौट के मेरे पास फोन आ गया कि आपका पैसा पड़ गया बैंक में, आवास मिल गया मुझे, अब मैं मेरा लिंटर पड़ गया, मकान बहुत बड़ा मकान बना है। मतलब पन्नी पड़ी थी, लिंटर नहीं था? लिंटर नहीं था, पन्नी पड़ी हुई थी, अब लिंटर पड़ गया मेरे घर पे, बहुत बड़ा मकान बनाया इस बाबा की आशीर्वाद श्याम प्यारे जी की, बहुत 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 बड़ा है इनका तो, मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ बिल्कुल। आपने अरदास लगाई थी मरोड़ा धाम? पूरी हो गई हमारी सर। क्या बात है, बाबा ने सुन लिया? कम से कम 15-20 दिन में, 15-20 दिन बाबा ने काम पूरा कर दिया, पूरा कर दिया हमारे श्याम बाबा जी ने सब लोग। हम तो बहुत बड़ा आशीर्वाद इन बाबा जी का बहुत बड़ा, हम तो जीवन में भूली, हम तो जुड़ गए नहीं से समझ लो, बस पूरा पूरा जीवन इन्हीं के नाम लगा दिया हमने, श्याम कर दिया है बाबा के जीवन नाम। जीवन बल्सा मीट मछली खाते थे वो भी छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दी, बस बाबा जी बाबा के शरण में आ गए, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो गए बिल्कुल हम।
तो क्या कहना चाहोगे आप मनोरा धाम के लिए? क्या इनका तो बहुत बड़ा, बस हाथ जोड़ के मनोरा धाम के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया, बस बाबा ऐसी हमारे लिए आशीर्वाद बनाए रखे। और हम तो कहते हैं और भी लोग आए, हम तो बताते हैं लोगों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है भाई। अपने मिलने वालों को, रिश्तेदारों को आप बताते हो सबके लिए? हम आओ वहाँ पे, कम से कम देखो तो चल के, कम से कम वहाँ पे क्या है, कैसे क्या महिमा है वहाँ पे देखो। तो भाई हमारा तो बहुत बड़ा इन्हें फायदा किया है, बहुत बढ़िया। मनोरा धाम जुड़े रहेंगे जब तक मरते दम तक। क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी तक मनोरा धाम नहीं आए उनके लिए? हम तो कहते हैं आए आप, यहाँ मनोरा धाम देखे, इनकी चमत्कार को देखे बाबा को, ठीक है। हम तो जैसा हमारा फायदा हुआ आपका भी फायदा होगा, सच्चे दिल से आओगे, बस यही है बस हमारे लिए। बोलो श्याम प्यारे के जय, मनोरा धाम के जय। में हट की अब जान हमारी।
दिल